सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का जो अपना बोटनी का फर्स्ट पेपर है, कौन सा, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप सबको पता है लास्ट 2 ईयर से अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं यूनिवर्सिटी में वही आ रहे हैं, तो इस बार भी अपन वही उम्मीद करते हैं कि अपन जो क्वेश्चन बना रहे हैं यही क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, इन क्वेश्चन पे आपको पहले एकदम क्लियर बता देते हैं, इन क्वेश्चन पे 100% आपको डिपेंड नहीं रहना है। ओके, तो फिर आप कहोगे फिर क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या हुआ। देखिए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना, तो इन क्वेश्चन से आपको ये 100% हो जाएगा कि आप पास जरूर हो जाओगे। क्योंकि देखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर से छोटा सा पॉइंट ले लेके आपको शॉर्ट नोट दे देगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो पास जरूर हो जाओगे। दूसरी चीज, यदि आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है तो आपको एक आइडिया हो गया, बेसिक आइडिया हो गया कि भाई ये चीज अपन ने भी पढ़ ली, ये चीज सर ने भी बता दी, मतलब ये क्वेश्चन आप इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं हो, इस लेक्चर में आपको पता चल जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे वो बूस्ट होने में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं, बात कर लेते हैं अपन बीएससी सेकंड ईयर का जो बोटनी का फर्स्ट पेपर है। जूलॉजी के अपने कंप्लीट पेपर कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिए। जूलॉजी के भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए, फिर अपन केमिस्ट्री के भी बना लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर आप सबको पता है बोटनी के अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से अपन बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में शॉर्ट नोट भी देखेंगे कि कौन से शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर की जो भी मैकेनिज्म है वो आपको पता होना चाहिए। डीएनए डैमेज क्या होता है, डीएनए रिपेयरिंग क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से। अब देखिए, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर आप पढ़ लोगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आ गया, शॉर्ट नोट में आपको एक पर्टिकुलर डीएनए डैमेज रिपेयर में से आपको दे देंगे कि बेस एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी की सारी चीज आपसे दे दी जाएगी, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए की, डीएनए एंड आरएनए की स्ट्रक्चर है इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, साथ में इसके जो टाइप्स होंगे अब पर्टिकुलर टाइप में से भी आपको दे दिया जाएगा, टीआरएनए की स्ट्रक्चर दे दी आपको, एमआरएनए की स्ट्रक्चर दे दी, इस तरह से भी एग्जामिनर आपको दे सकता है, क्लोज लिंक मॉडल क्या हो गया। तो ये जब आप डीएनए आरएनए को पढ़ोगे तो इनके अंदर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, थर्ड नंबर में शॉर्ट नोट में बात करें तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, साथ में पॉलीमरेज के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, साथ में डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ये क्वेश्चन थे शॉर्ट नोट में से। सेकेंड यूनिट आ जाती है अपनी, जिसमें अपन बात करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें तो प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है, तो इस बार आपको जो यूकैरियोट्स के अंदर जीन मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों पढ़ना है, लेकिन जो यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह से होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, ये आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस एंड इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको क्या करनी है, एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करनी है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे अपना अपना एक वैल्यू रखता है, क्योंकि एकदम छाट के बनाए तो आप इनमें से छाटिएगा नहीं, बस आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर शॉर्ट नोट में आगे बात करें तो शॉर्ट नोट में बात करें तो जेनेटिक कोडोन क्या होता है, कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ में सेंट्रल डोगमा जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन को भी आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए, ट्रांसलेशन आ जाए या प्रोटीन सिंथेसिस आ जाए, दोनों एक ही चीज है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इस बार आपको ट्रांसलेशन को थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लेना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आ जाएगा आपका टिश्यू कल्चर एंड आपकी इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसको आपको अच्छे से देखना है कि टिश्यू कल्चर आखिरकार क्या होता है। आ जाएगा मीडिया प्रिपरेशन क्या होता है एंड आपका असेप्टिक कल्चर जो आपकी टेक्निक है वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका शॉर्ट नोट में बात करें तो सेलुलर जो आपकी सॉरी सेलुलर टोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में जो एंथर कल्चर है ये एंथर कल्चर आखिरकार क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब अपना लास्ट एंड फाइनल आ जाता है, जो लास्ट अपनी यूनिट है उसमें से आ जाएगा कि आपको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या होती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं। इसमें से शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में एक तो आपको पीसीआर को अच्छे से पढ़ लेना है, एंड आपकी जो जेनेटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है इसको अच्छे से देख लेना है, कोसमिन एंड आपके जो क्रोमोसोम है इसको डिटेल के अंदर देख लेना, एंड आपकी सीडीएनए टेक्निक है इसको डिटेल के अंदर देख लेना है। बस यही क्वेश्चन है आपके बोटनी का जो फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का, इसमें बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो बी बोटनी का सेकंड पेपर है अपना, उसके अपन बात करेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।